ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बड़ी ही सुहानी शाम है, मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना अपने दर्शकों को एक अचूक वशीकरण सुपारी मंत्र दे दिया जाए। ये मंत्र इतना अचूक है कि एक बार कर देने से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसको आप किसी भी खाने पीने की चीज में अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। अब तक लाखों लोगों का काम इससे मैं बना चुका हूं। ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। और मंत्र इतना सरल है कि इसे आप 2-4 बार पढ़कर ही कंठस्थ कर सकते हैं। मंत्र है, पीर मैं नाथ, पीर तू नाथ, जिसको खिलाऊं तिसको वश करना, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बहुत ही सरल मंत्र है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब वो मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो उसमें त्रुटि हो जाती है, काफी लंबे लंबे मंत्र होते हैं। लेकिन ये जो छोटा सा मंत्र है, ये आपकी हर मुराद पूरी कर देगा। आपको बस करना इतना है कि ग्रहण काल में नदी तट पर जाएं, वहां पर आप अपना आधा शरीर नदी में डुबोकर रखें और इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की जितनी अधिक संख्या आप करेंगे, उतना ही ये प्रबल होता जाएगा। ये आप कीजिए तो जो भी आपकी कामना होगी, किसी को वशीभूत करना, इस अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं, यदि आपके मन में सच्चा प्रेम है, कुछ ऐसे भाव हैं जो आप व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन आप चाहते हैं कि सामने वाला आकर आपसे कहे, तो ये जो वाण है ये सटीक लगेगा। मंत्र एक बार फिर, पीर मैं नाथ, पीर तू नाथ, जिसको खिलाऊं तिसको वश करना, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बड़ी बार प्रश्न किया जाता है कि गुरु जी कौन सा साधन लें, कौन सा आसन करें, किस दिशा में मुख करें। तो आपका जो मुख है वो पूर्व की ओर होना चाहिए और आसन आप कोई भी ले सकते हैं। ये जो मंत्र है ये आपको नदी तट पर करना है या फिर अपना आधा शरीर नदी में डुबोकर उसके बाद मंत्र का जाप करना शुरू कीजिएगा। और देखते ही देखते सामने वाला, चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपको अपने दिल की बातों का इजहार करेगा, आपके पास आएगा। ये तब, ये जो जितने भी मोहिनी मंत्र हैं, ये सब उस जमाने में इसलिए प्रयोग में लाए जाते थे क्योंकि लोग अपने दिल की बात सामने से कह नहीं पाते थे, काफ़ी शर्मीले होते थे, काफ़ी शर्मशार होते थे कि कैसे ये ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हैं। तो वो तब ये मंत्र बने थे, अपने गुरुदेव के पास जाते, वो उनको मंत्र देते और वो उसको सिद्ध करते। और इस तरह से जो है भारतवर्ष तंत्र का विद्यापीठ बन गया था, लोग दूर दूर से यहाँ पर सीखने आते थे। और उस प्राचीन काल से कुछ थोड़ी बहुत बूंदे मैं लेकर आया हूँ। ये बहुत ही, मतलब ये कहूँगा कि ये कुछ भी नहीं है जो मैंने मंत्र बताए हैं। उस समय के अगर आप मंत्र देखें तो वो तो सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, सारे शाबर मंत्र होते थे, यूँ किया और असर पाइए। तो मैं उन्हीं की तलाश में हूँ कि वो सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए कि बस देखते ही साथ किसी को भी वश में किया जा सके। आप इसको प्रयोग में लाएं और मुझे बताएं कितनी जल्दी आपका जो है मनोरथ
पूर्ण हुआ और आप सक्षम हुए किसी को वशीभूत करने में। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर आप मेरी वेबसाइट soulstrop.com पे भी जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि इसका जो है आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का अगर आप किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो एक बार अपने विवेक से काम लीजिएगा, और अगर सारे उपाय कर आप देख चुके हैं, कुछ भी नहीं लग रहा हो, साम दाम दंड भेद सब कुछ आप कर दिया लेकिन फिर भी बात ना बन रही हो, तो एक बार इसको प्रयोग में लाइएगा और फिर देखिए किस तरह से सामने वाला आपके सामने नतमस्तक होगा। धन्यवाद।